हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, है ना। तो गाइस, हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं, है ना। वेरी गुड। लास्ट क्लास में हमने देखा था पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हमने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, व्हाट आर द नेम्स गिवन टू दैट। कूल। टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड और आज पढ़ेंगे हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स और आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। सर कहोगे सो ये सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स तो समझ आ गया सर, ये हवा, यू नो, एयर, वाटर और बीज, इंसेक्ट वगैरह। सर ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, है बेटा। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेटा होता क्या है, जो प्लांट्स होते हैं ना, दे ट्राई टू गो फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सर ये क्यों, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों करना चाहते हैं। हमने देखा था क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हैपनिंग बिटवीन फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, है ना। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेम फ्लावर के अंतर से यू नो पॉलिनेशन हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यस, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, यस बेटा। और अगर दूसरे फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट से भी अगर पोलन ग्रेन आके यू नो स्टिग्मा पे बैठ जाता है और पॉलिनेट कर देता है, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। द प्लांट्स वॉन्ट कि दूसरा पोलन ग्रेन आके पॉलिनेट करे। ऐसा क्यों बेटा, ऐसा इसलिए ताकि, क्योंकि इससे क्या होता है, वेरिएशन होता है, वेरिएशन होता है और एवोल्यूशन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। और जैसे अगर आपको बताऊंगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में ही कि अगर अगर सेम ऑर्गेनिज्म के, है ना, सिबलिंग्स, इफ दे कीप ऑन ब्रीडिंग विद ईच अदर, इसको इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब जेनेटिकली प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मतलब अगर मान लो सेल्फ पॉलिनेशन बार 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 सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्या होगा, जो प्लांट की स्पीशीज है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी जेनेटिकली। तभी गॉड ने ऐसा बनाया है यू नो प्लांट्स को भी कि दे गो फॉर आउट ब्रीडिंग, मतलब उनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म यू नो प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से दे गो फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, ताकि वो वेरिएशन अडाप्ट कर सके, है ना, और इवॉल्व हो सके टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कूल। तो इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही अमेजिंग सब यू नो टॉपिक है, आप पढ़ना जरूर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लाइक द वीडियो गाइज, है ना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारा एनसीईआरटी का नया चैनल स्टार्ट हुआ है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइज, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जल्दी से, इसको 1 लाख करना है हमें, है ना। क्यों करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैक्सिमम बेनिफिट हो सकेंगे, ठीक है। इस पे वी आर गोना कवर एंटायर एनसीईआरटी, ओके, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो। वेरी गुड इस गाइज, एंड डू जॉइन द टेलीग्राम लिंक। इस पे गाइज वी पुट यू नो कीप अपडेटिंग कि क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है, तो डू जॉइन द टेलीग्राम लिंक। एंड यस गाइज, वेदांतु की आप प्लेटफॉर्म पे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज अ फ्री चैनल। अगर आप, देर आर पेड कोर्सेज ऑल्सो जिसमें लाइव पढ़ाया जाता है, है ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, डाउट सॉल्विंग होती है, बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया टीच यू, एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी डिवाइस एट योर होम, ठीक है। वेरी गुड गाइज, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। एंड यस गाइज, 6 मंथ का कोर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज इट कॉस्ट यू अराउंड 9,777, विच इज़ लाइक 630 rupees पर मंथ का कॉस्ट होता है, है ना। यू कैन टेक 1 मंथ और 3 मंथ कॉस्ट ऑल्सो गाइज, बट देख सकते हो इसमें ना थोड़ा फर्क है, ठीक है। यू गेट टू सेव अ लॉट ऑन दिस 6 मंथ कोर्स, यस गाइज, एंड यू कैन यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। यस गाइज, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट, है ना। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो गाइज, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पॉलिनेशन के लिए एबायोटिक मतलब डेड एजेंट्स जैसे कि वाटर और विंड भी यूज कर सकते हैं, या बायोटिक एजेंट्स लाइक एनिमल्स, है ना, बीज हो गए, इंसेक्ट हो गए, या फिर एनिमल्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है बेटा। पॉलिनेशन क्या होता है, हमने देखा था लास्ट क्लास में, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, है ना। एंथर ये था, एंथर से प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंचने को, इसको कहते हैं पॉलिनेशन, है ना। हमने देखा था पॉलिनेशन सेल्फ भी हो सकता है, ऑटोगैमी, फिर ऑटोगैमी क्या होता है गाइस, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, सेम फ्लावर। फिर एक होता है गीटोनोगैमी, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट इसमें क्या होता है, फ्रॉम एंथर ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फिर हमने ज़ीनोगैमी देखा था, ज़ीनोगैमी में क्या होता है गाइस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो ये थी, वेरी गुड। अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, है ना। जब बेटा हम एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं, मेजरली ना बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। क्यों सर, बायोटिक एजेंट्स को क्यों यूज करते हैं, मतलब बी या इंसेक्ट वगैरह, क्योंकि बेटा देखो यार, विंड का और पानी का तो कोई भरोसा नहीं है ना, देर आर वेरी यू नो देर आर लेस चांसेस ऑफ देम फर्टिलाइजिंग, है ना। अब गाइस एक बात बताओ, ठीक है, आप हाउ मच यू कैन रिलाई ऑन बायोटिक और यू नो एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, कितना आप पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या यू नो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मतलब गॉड ने ऐसा बनाया है प्लांट्स को कि दे हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहला मैकेनिज्म है गाइस,
कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बनते हैं. द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर वेरी हाई, वेरी हाई. द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर वेरी हाई, ताकि मतलब मिलियंस में रिलीज होते हैं तो जाके एटलीस्ट एक तो फर्टिलाइज करेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, वेरी गुड. उसमें भी जो एबायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं उनमें तो और भी ज्यादा यू नो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज एज कम्पेयर टू द वंस विच रिलीज यूज बायोटिक कॉम्पोनेंट. है ना, वेरी गुड. और ओव्यूल, ओव्यूल कितने बनते हैं गाइस? ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस कंपैरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन में तो ट्रैवल करना होता है ना, ओव्यूल तो बैठा ही होता है, तो पोलन ग्रेन की डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ओव्यूल. ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स आर मोर एज कम्पेयर टू ओव्यूल. वेरी गुड. है ना बेटा, एज आई टोल्ड यू, यस, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ मैटर ऑफ फैक्ट. मतलब चांस है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं यू नो इन केस ऑफ बोथ वाटर एंड दिस थिंग विंड के केसेस में. है ना, तो गाइस इस अनसर्टेनिटी को उभरने के लिए क्या कहते हैं गाइस, है ना, प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन. मतलब बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन बनाती है फ्लावर्स ताकि फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाए. कूल, वेरी गुड. नाउ पॉलिनेशन बाय विंड. अब गाइस एक बार बताओ, विंड पॉलिनेट कर रहा है तो क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? मतलब विंड है हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट तो क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? यस गाइस बताओ मुझे, क्या मैं कह सकता हूँ कि एंथर बहुत ही एरियल होना चाहिए? एंथर एकदम हवा में उड़ता हुआ एंथर होना चाहिए ताकि ताकि हवा से लग के उसके पोलन ग्रेन्स निकल जाए. मतलब ऐसा ना हो ना एंथर इसके अंदर फ्लावर के अंदर छुपा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी यू नो इन 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 यू नो इट शुड बी क्या कहते हैं, वेल एक्सपोज. एग्जैक्टली, इट शुड बी वेल एक्सपोज होना चाहिए. हाँ जी सर, है ना. सिमिलरली जो हमारा फीमेल पार्ट है वो भी बहुत ही एक्सपोज होना चाहिए ताकि वो इस पोलन ग्रेन को कैच कर सके. यस सर, है ना बेटा. एंड एंड पोलन ग्रेन को क्या होना चाहिए? लाइट, बहुत ही हल्का होना चाहिए ताकि वो उड़ के जाके यू नो चिपक भी जाए. स्टिकी भी होना चाहिए ताकि स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए. ठीक है, चेप होना चाहिए उसको. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड. एग्जैक्टली, समझ आ गया सर. एंथर थोड़ा हवा में होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए. एंड द पोलन ग्रेन शुड बी लाइट एंड स्टिकी. सॉरी, नॉन स्टिकी. इट शुड बी नॉन स्टिकी. स्टिग्मा शुड बी स्टिकी, है ना, लाइट एंड नॉन स्टिकी ताकि एंथर से आराम से निकल जाए. है ना बेटा, वेरी गुड. ये हमने देखा था. फेदरी स्टिग्मा इजिली ट्रैप द एयर बॉर्न पोलन ग्रेन. मतलब स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए ताकि ये जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं इसको कैच कर ले. मतलब देख रहे हो ये लोग कैच कैच गेम खेलते रहते हैं आपस में. यस गाइस, इफ यू कैन सी, देखो, अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन. इनफ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. ठीक है, अब देखो कॉम्पैक्ट मतलब बहुत सारे फ्लावर एक साथ रहते हैं ताकि अटैच यू नो उसको कैच कर ले. है ना बेटा, मतलब पहले तो पोलन ग्रेन बहुत सारे रिलीज हो और सिमिलरली उसको कैच करने के लिए भी बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस. मतलब कितनी ओव्यूल है गाइस? एक ही ओव्यूल है. ठीक है, ओव्यूल कितना है? एक ही है, है ना, बट बहुत सारे फ्लावर्स हैं ताकि एटलीस्ट कोई तो फर्टिलाइज हो पाएगा. यस, एग्जाम्पल कौन थे? कॉर्न कॉब और ग्रासेस. एग्जाम्पल्स आर कॉर्न कॉब एंड ग्रासेस. कैन यू सी, देखो ये कितने फैले हुए हैं. दे आर लाइक यू नो लाइक दे आर वेरी एक्सपोज, वेल एक्सपोज. है ना, वेरी गुड. देन टॉक अबाउट, लेट्स टॉक गाइज, अंडरस्टूड गाइज, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ट्रस्ट मी, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्टिव में. वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स विच गेट पॉलिनेटेड बाई विंड? ठीक है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, हाई ह्यूज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स होने चाहिए. है ना, वेल एक्सपोज एंथर होना चाहिए. तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी एबल टू राइट. थ्री पॉइंट लिखना होगा. पॉलिनेशन बाय वाटर गाइस बहुत ही रेयर होता है, कम होता है. ठीक है, ओनली 30 जेनेरा, मतलब बहुत ही कम होता है. और मोनोकोटाइलिडंस में सबसे ज्यादा होता है. इतना रट्टा नहीं मारना, जस्ट समझ लो कि कम होता है. विंड वाला थोड़ा ज्यादा होता होगा बट ये कम होता है. ये किस में होता है? लोअर प्लांट्स में होता है. एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर इज यूज एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट. है ना, वेरी गुड. एग्जाम्पल वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला, दीज आर फ्रेश वाटर गाइस. देख रहे हो, ये देखो मेल फ्लावर है, है ना, ये फीमेल फ्लावर है. ये देख रहे हो, ये फीमेल फ्लावर है ना, यहाँ पे रिलीज होगा. ठीक है, यहाँ पे आके ये अटैच हो जाएगा. ठीक है, पॉलिनेशन बाय वैलिसिनेरिया. कैन यू सी गाइस, देखो ये फीमेल फ्लावर आपको दिख रहा है और ये मेल फ्लावर होता है छोटे छोटे, है ना, ये दे विल रिलीज द मेल गैमेट एंड विल गेट अटैच्ड ओवर हियर. मरीन सी ग्रास, जोस्टेरा, है ना. एग्जाम्पल्स गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं होते बेटा, इसका ना नोट्स बना लो. पॉलिनेशन बाय वाटर तीन नाम लिख लिया, वैलिसिनेरिया, है ना, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा भी लिख दो. ठीक है, वेरी गुड. देन हियर सारे एक्वाटिक प्लांट भी यूज नहीं करते, है ना, पॉलिनेशन के लिए. एग्जैक्टली,
वाटर हियासिंथ और वाटर लिली क्या करते हैं, पानी के ऊपर आके फिर पॉलिनेट होते हैं, है ना। दे आर पॉलिनेट बाई इधर इंसेक्ट और अ विंड। आर यू गुड अंडरस्टैंड, पानी में भी पॉलिनेशन होता है बट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। उनमें से भी कुछ पानी के फ्लावर्स क्या करते हैं, दे कम अबव द वाटर एंड गेट पॉलिनेटेड बाई विंड एंड इंसेक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। इन सी ग्रास फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। सी ग्रास में पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, है ना। पोलन ग्रेन्स आर लाइक लॉन्ग एंड रिबन लाइक, कैसे हैं, लॉन्ग और रिबन की तरह है, ठीक है, ताकि वो स्विम कर सके, है ना बच्चे, स्विम करने के लिए होना चाहिए। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, वो जो स्वीट सब्सटेंस होता है ना, जो कि हनी भी लेनी आती है। एनिमल्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो उनको गिफ्ट देने की जरूरत ही नहीं है, तो देयर इज नो नेक्टर प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। अब गाइस ठीक है, अब एनिमल वाला पॉलिनेशन, अब बताओ इसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। अ फ्लावर विच हैज टू गेट पॉलिनेटेड बाय एनिमल, इसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, यस बताओ। ऑब्वियसली सबसे पहले तो भैया फ्रूट चाहिए हमें, तो नेक्टर चाहिए हमें, फल चाहिए। अब जो फैक्ट, ये जो हमारी हनी बी है, ये जो आ रही है, इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा नेक्टर। मतलब बिना फ्रूट के ये क्यों आएगी आपके पास, पहले तो नेक्टर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कलरफुल होने चाहिए, है ना बेटा, कलरफुल होते हैं। आपने देखा ब्राइट फ्लावर्स होते हैं, रोज कोई भी पर्पल वाले फ्लावर, लिली फ्लावर, जो भी देख लो, दे आर वेरी ब्राइट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, है ना। दे हैव वेरी गुड फ्लावरी स्मेल, है ना, उसको कहते हैं परफ्यूम, उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे गाइस, परफ्यूम या गुड गुड स्मेल लिख लेते हैं, ठीक है, आगे देख लेंगे वर्ड क्या था वो, है ना। बट आई वुड अंडरस्टैंड, नेक्टर होना चाहिए एक तो, कलरफुल होने चाहिए, और बहुत ही अच्छी स्मेल आ जाती है, अभी तो देखते हैं, है ना। यू गिव योर रोज टू समवन राइट बिकॉज ऑफ दिस गुड स्मेल, वो बेचारा आपके लिए नहीं होता बेटा, जो जो आप रोज देते हो वो बेचारा हनी बी के लिए होता है, बट आप उसको यूज़ कर लेते हो, तो यस। एंटोमोफाइली बेटा मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, खायरोप्टेली पॉलिनेशन बाय बैट, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। मैल्कोफाइली पॉलिनेशन बाय स्नेल, ऑर्निथो बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो ये सब नाम है पॉलिनेशन की, याद कर लेना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये सब कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है, बी, बटरफ्लाई, है ना, बीटल, एंट, मॉथ, बर्ड, एलिफेंट, एलिफेंट तक भी होते हैं बेटा, ठीक है, जैसे कि प्राइमेट, बंदर, है ना, रॉडेंट्स, रेप्टाइल्स, है ना, इवन एनिमल्स, एज आई एम टेलिंग यू, दे आर ऑल यू नो वॉट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वेरी गुड, है ना बेटा। फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, एग्जैक्टली फ्रेग्रेंट था वो वर्ड, एंड रिच इन नेक्टर, कैसे हैं बेटा, बहुत ही बड़े होते हैं फ्लावर, ताकि हनी भी देख सके उसको, है ना, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, है ना बेटा, वेरी गुड। कॉन्स्पिक्यूस मतलब बेटा दिख सके वो, इनकॉन्स्पिक्यूस मतलब नहीं दिखना, कॉन्स्पिक्यूस मतलब दिख सके, तो बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ झुंड में होते हैं ताकि अच्छे से दिख सके, आर यू विल अंडरस्टैंड, सो दैट दे कैन सी इट। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाई कलर और फ्रेगनेंस, दे आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाई कलर एंड फ्रेगनेंस, है ना बेटा। बाई फ्लाइज एंड बीटल सेक्रेट फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, मतलब फ्लावर, यस फ्लावर क्या करता है गाइस, ओडर भी अट्रैक्ट, लाइक ओडर भी यू नो, मतलब डिफरेंट टाइप के ओडर्स होते हैं, फ्रेगनेंस होते हैं, जिसकी वजह से बीज वगैरह अट्रैक्ट होते हैं ना। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड देम रिवॉर्ड, एनिमल को कुछ गिफ्ट दो भैया कि वो आ रहा है आपकी हेल्प कर रहा है, उसको नेक्टर देते हैं, है ना बेटा। नेक्टर इज द फ्लोरल रिवॉर्ड, आपने देखा होगा ना, नेक्टर से हनी भी क्या करता है, उसका उससे हनी बनाता है, हनी भी से हनी बनाता है, राइट। पोलन इज स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स, हाँ इसमें देखो विंड वाले में क्या था, पोलन इज नॉन स्टिकी, हियर द पोलन इज स्टिकी सो दैट इट स्टिक्स टू द बी, हनी बी से चिपक जाए और आगे जाके यू नो पोलिनेट कर दे, एग्जैक्टली। और गाइस अलग फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी होते हैं, दे प्रोवाइड सेफ प्लेसेस प्लेसेस टू ले एग्स, कुछ फ्लावर क्या करते हैं, सम फ्लावर्स प्रोवाइड द हनी बी टू ले एग्स, मतलब अपने अंडे देने के लिए उसको एक स्पेस, जगह मिलती है, ठीक है, है ना। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet, द टॉलेस्ट फीट, टॉलेस्ट फ्लावर क्या है, अमॉर्फोफैलस, 6 feet का फ्लावर है, बताओ, है ना। देखो ये जो एग देने वाला है ना, ये रिलेशन मॉथ और यूका प्लांट में एग्जिस्ट करता है, ये कौन से में, मॉथ और यूका प्लांट, यूका प्लांट मॉथ को जगह देता है अपने एग्स ले करने के लिए। ये अपना इकोसिस्टम पढ़ेंगे ना बेटा, तब इसको लिंक करना, इकोसिस्टम पढ़ेंगे ना तब हम इसको लिंक करेंगे, कि देयर इज अ इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द यूका प्लांट एंड द मॉथ, म्यूचुअलिज्म, प्लांट का वो पॉलिनेशन हो जा रहा है और मॉथ को अपने एग्स रखने की जगह मिल जाती है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वेरी गुड। प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट मौत, है ना, मौत के बिना वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। मौत डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी में जाके अपना एग डाल देता है,
फ्लावर इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ, मॉथ पॉलिनेट भी कर देता है। लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग, मतलब समझ रहे हो, जब सीड डेवलप होने लगता है तो लार्वा जो बना होता है वो भी बाहर आने लगता है। तो समझ लो कितना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कितना अमेजिंग है बायोलॉजी, मतलब इतना इतना इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट? वेरी गुड। अब यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मैं आपको बता रहा था ना कि आउटब्रीडिंग क्यों करना जरूरी है बेटा, नहीं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा कि सिबलिंग्स डू नॉट गेट मैरिड, ये हमारा सोशल कस्टम चलता आ रहा है बहुत ही पहले से, ठीक है, वैदिक टाइम से, उससे पहले से ही, एंशियंट टाइम से ही। क्यों बेटा? बिकॉज इफ यू मैरी सिबलिंग्स, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको अवॉइड करने के लिए दैट इज व्हाई यू मैरी समवन यू नो दूर के रिलेटिव से, ठीक है। अपने अगर आपने डॉग ब्रीडिंग देखा होगा, एक सुपीरियर ब्रीड होती है, यू नो दो ब्रीड से ब्रीड करते हैं, हॉर्सेस की भी सुपीरियर ब्रीड होती है, क्यों? ये जीन्स आ जाए ताकि यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को बताओ यार, ऑटोगैमी और गीटोनोगैमी में क्या आउटब्रीडिंग होगी? नो, देयर इज अ चांसेस ऑफ इनब्रीडिंग। तो इसको अवॉइड करने के लिए ना कुछ कुछ डिवाइसेस इनबिल्ट हैं हमारे फ्लावर्स में, वेरी गुड, जैसे कि है ना, मेनी डिवाइसेस डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करा जाता है, ठीक है, और एनकरेज करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, वेरी गुड। अब क्या होता है, मैं तब देखो बेटा, तीन चीज़ होती है। सबसे पहला तो ये होता है कि स्टीमेन और पिस्टल दोनों अलग टाइम पे मैच्योर हों, मैच्योर आर डिफरेंट टाइम्स, मतलब अब क्या हो रहा है, स्टीमेन और पिस्टल दे आर मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स, ऑब्वियसली, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज एक टाइम पे हुए और पिस्टल मैच्योर बाद में हुआ, मतलब समझ रहे हो, तो दोनों में थोड़ा सा टाइम गैप है। तो अब क्या होगा, यस गाइस, दोनों एग्जैक्टली सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये इनबिल्ट होता है गाइस, ये डीएनए में ही होता है, ठीक है। सेकेंड डिवाइस होता है, सेकेंड डिवाइस में क्या होता है कि स्टीमन एंड पिस्टिल आर एट डिफरेंट हाइट, दे आर एट डिफरेंट हाइट, है ना। कई बार क्या होता है, ये यू नो पिस्टिल नीचे है एंथर ऊपर है, कई बार पिस्टिल ऊपर है एंथर नीचे है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कई बार और भी इसमें कवरिंग भी आ जाती है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दे आर अ डिफरेंट हाइट। अब डिफरेंट हाइट पे है तो चांसेस कम हो जाते हैं ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर लेस, तो ये क्या होता है, उड़ के जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट इज गाइस, थर्ड पॉइंट होता है जब यस डिफरेंट हाइट पे होते हैं, सेम पिस्टिल होता है, एंड यस गाइस, यस अभी देखते आगे, ठीक है। तो द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन इज स्टार्टिंग, ये हमने देख लिया, ठीक है। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, दोनों सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, ये पहला पॉइंट है ना। ईदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोएम, समझ आ रही है, मतलब स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है या तो बाद में रिसेप्टिव होता है पोलन ग्रेन के रिसीव सॉरी रिलीज होने से पहले, राइट, वेरी गुड। In some species, the anther and stigma are placed at the different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. मतलब different positions पे है anther और stigma, right? Very good. हाँ, third होता है guys, self incompatibility, है ना, मतलब इसमें क्या होता है, दोनों compatible ही नहीं है, मतलब ये जो अगर same pollen grain stigma पे आ जाता है तो ये चिपकता ही नहीं है या फिर pollen tube ही नहीं बनेगा, मतलब if the pollen grain comes over here, the pollen tube will not be formed. सेल्फ इनकम्पैटिबल है ये, ओके, वेरी गुड। द जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पोलन, है ना, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ, मतलब पोलन ट्यूब ग्रोथ ही नहीं होने देता। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? यस, बहुत ही अमेजिंग है ना ये। तो हमने क्या तीन आउटब्रीडिंग डिवाइस दिखाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आउटब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है, एग्जाम में आएगा, सब्जेक्टिव में तो जरूर आएगा, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज क्या है? यस, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है कि भैया दोनों अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, दूसरा दोनों डिफरेंट हाइट पे हैं, तीसरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है और पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। एग्जाम्पल सॉरी, प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गीटोनोगैमी। इनमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गया, गीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हुआ। गीटोनो मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये प्रिवेंट नहीं हुआ, ठीक है।
प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया मेल में क्या करते हैं, ये बस यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, है ना, इनका इधर मेल होता है या फीमेल होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। एग्जाम्पल पपाया मेल हमने देखा था, अगर आपको याद होता है एग्जाम्पल्स में। दिस प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गीटनोगैमी, ठीक है। बट अगर आप मान लो मोनिशियस फ्लावर है, मोनिशियस मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो ऑटोगैमी माइट बी प्रिवेंटेड बट गीटनोगैमी प्रिवेंट करना मुश्किल हो जाता है, राइट। वेरी गुड, ग्रेट गाइस। तो एक बार देखो, आज हमने एक बार क्विकली रिकैप कर लेते क्या क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, हमने देखा विंड होता है, वाटर हो सकता है और एनिमल्स हो सकते हैं, तीनों के अलग कैरेक्टर्स थे। तो जो विंड से पॉलिनेट होता है उसके कैरेक्टर्स क्या थे, एक्सपोज होने चाहिए एंथ्रोस्टिग्मा, है ना, और पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए एंड देयर शुड बी नॉन स्टिकी, है ना, और क्या देखा था हमने, यस दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज नंबर्स। वाटर पॉलिनेशन हमने देखा था, बहुत ही कम लोग वाटर पॉलिनेट यूज करते हैं, और कुछ लोग तो वाटर के बाहर आके भी दे आर डिपेंडेंट ऑन विंड और द वाटर, सॉरी विंड और द, यस गाइस, दे आर डिपेंडेंट ऑन द विंड और एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। वेरी गुड। देन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गाइस क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल पॉलिनेट, गाइस ट्रस्ट मी, आई विल राइट इट एंड गिव यू, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा अभी मिड टर्म में या फिर कभी ना कभी आएगा, प्लीज यू नो नोट बना लो इसका। उसका क्या था, एनिमल वाले को नेक्टर मिलना चाहिए, है ना, फ्रेग्रेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ब्राइट कलर्स होने चाहिए, राइट। और फिर हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखे, थ्री आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आते हैं, वाइस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यू नो इंपॉर्टेंट टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो पाए, ठीक है, वेरी गुड। हमने देखा एटर दे मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, दे आर डिफरेंट हाइट पे प्रेजेंट है और दे आर सेल्फ इनकम्पैटिबल, वेरी गुड। बहुत ही अमेजिंग सेशन लगा मुझे तो, आई होप यू एंजॉयड इट गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। यू कैन यूज दिस कोड गेट 15% ऑफ ऑन द वेदांतु प्रो कोर्सेज, है ना गाइस। एज यू ऑल नो हमारी क्लासेस 12th की MWF में होती हैं, 11th की TTS में होती हैं। एज यू ऑल नो 2 weeks के लिए आई एम ऑन लीव, और एक्चुअली तभी ये रिकॉर्डेड सेशन होंगे एंड द फ्रीक्वेंसी माइट बी लेस ऑल्सो, तो यार डोंट वरी, कीप स्माइलिंग एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की सेशन आपको कैसा लगा, है ना। And I'll see you in the next session, guys. Till then, bye-bye. Have a good day.